हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि भाई एमआरआई कैसे करें। तो आज हम बताने वाले हैं एमआरआई का लाइव डेमो कैसे करते हैं। हमारे पास पेशेंट्स भी हैं, मशीन भी रेडी है, तो और डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी जो हमारे साथ स्पीकर पे मौजूद हैं वो बताएंगे कि कैसे करते हैं। ओके, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये एमआरआई की मशीन है और हमारे साथ पेशेंट है जिनका ब्रेन का एमआरआई करना है, जिनको हेडेक की क्रॉनिक कंप्लेन है। तो हम इस पेशेंट्स को, जैसे आप देख सकते हैं, हमने चेंजिंग के लिए उनको कपड़े दिए हैं। अब इनको ब्रेन के लिए पोजीशन देंगे। हम मोबाइल अंदर नहीं लेके जा सकते क्योंकि मोबाइल और कुछ भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें वो अंदर जाके ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे। तो कौन सी ये पार्ट्स एमआरआई मशीन, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? यस, एमआरआई मशीन के मेन दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है गैंट्री, जिसके अंदर, जैसे आप वो हमारे जो बड़ा सर्कल है, या बड़ा सर्कल जिसके अंदर पेशेंट जाएगा, और एक ये स्लीपिंग का टेबल रहता है जहाँ पे पेशेंट सोएगा। यस, और फिर जिस पार्ट की एमआरआई करनी होती है उस हिसाब से बॉडी कॉइल्स होते हैं। जैसे एक ब्रेन कॉइल होता है, एक स्पाइन का कॉइल होता है, कोई बॉडी कॉइल होता है, उस हिसाब से उसको सेट करते हैं हम। ओके, ठीक है। आपको एक लाइव डेमो दिखा देते हैं। ये पेशेंट को ब्रेन का हम पोजीशन देने वाले हैं हेडेक के लिए। ओके, प्लीज ऊपर। ये स्ट्रेचर मूवेबल रहता है, स्ट्रेचर मूवेबल रहता है। काफ़ी बड़ी मशीन है और साथ में ये बड़ी सी एक स्ट्रेचर भी है जो मूविंग है। अभी उनको ब्रेन का कॉइल लगा रहे हैं। अच्छा, तो ग्रोइन कॉइल है। हाँ, ठीक है। तो ये कॉइल का क्या करते हैं? जनरली जिस पार्ट का हमको एमआरआई करना होता है उस पार्ट के अराउंड फोकस करने के लिए ये कॉइल्स रहती है। ओके, तो ज़्यादा अच्छी हमको इमेजिंग मिलती है। तो जिस बॉडी का पार्ट का करना है, यस, उस हिसाब से उसके कॉइल्स अवेलेबल रहते हैं। के अवेलेबल रहता है, उसको पार्ट को ज़्यादा फोकस करके उसकी इमेजिंग। यस, जैसे आप देख सकते हो उनको अंदर भेज दिया है। ओके ओके, अब पोजीशन दे दी है ना आपने। काफ़ी बड़ी मशीन है, हमारे साथ एक टेक्नीशियन भी हाजिर रहता है। अच्छा, इसमें कोई भी आदमी साथ में रह सकता है? यस, एक आदमी साथ में रह सकता है। ठीक है, तो ये एमआरआई मशीन अगर हमको ब्रेन का करना है तो उसमें कम से कम कितना टाइम लग सकता है? 15 से 20 मिनट कम से कम लगते हैं। अच्छा, और जिस तरह से आपकी इमेजिंग करनी है उसके उस हिसाब से, फिर जैसे जैसे क्या क्या अलग अलग सीक्वेंसेज देने, बट जनरली एवरेज 15 to 20 मिनट। इसका हमें अगर रिजल्ट चाहिए, इसका रिजल्ट हमें कैसे मिलता है? मान लीजिए इसको तो हमने इस मशीन के अंदर डाल दिया है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? ओके, जनरली मैंने पहले कहा है पिछले वीडियो में कि ये एमआरआई चुंबक के हिसाब से चलता है। बॉडी 70% H2O जो पानी का रहता है, हाइड्रोजन एटम्स जो प्रोटॉन्स रहते हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी एमआरआई की मशीन के अंदर जाएगी तो जो आपकी बॉडी के अंदर के जो चुंबक प्रोटॉन्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, और उस हिसाब से वो कंप्यूटर में इमेजेस बना के कंप्यूटर में आपको बताएगा। हाँ, तो बेसिकली हमें ये सारी स्टडीज हमें कंप्यूटराइज मिल जाती है। यस, और इसको पूरा एनालिसिस हम कंप्यूटर के अंदर ही करते हैं। यस, और वहाँ से हमको इसका रिजल्ट मिल जाता है। यस, इसका वैसे टाइम तो लेता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमने इसको शॉर्ट करने के लिए अभी पेशेंट को यहाँ निकाल दिया है। यस, ताकि हम आपको बता सकें। ये सिर्फ एक डेमो के लिए, डेमो वीडियो के लिए था, ठीक है। तो इस तरह से मशीन काम करती है। और आप चाहे तो एमआरआई से आपके एमआरआई का दिमाग का, मतलब ब्रेन का कर सकते हैं, साथ में अगर आप चाहे तो आपके जॉइंट्स का कर सकते हैं, स्पाइन का कर सकते हैं, आपके सॉफ्ट टिश्यूज या बोन का भी कर सकते हैं। तो एमआरआई मशीन इसमें काम में आती है। थैंक यू।